बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एससी एसटी ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं बहनों बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी की है, एम्स की संख्या तीन गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर
फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमामंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है, सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि देव पद पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे, हम पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए, हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे।